हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सोया के कबाब। ये सोया चंक्स जो होते हैं इनके हम कबाब बनाएंगे। ये आसानी से मार्केट में ऐसे पैकेट में भी मिल जाता है और खुला भी मिल जाता है। इसको मैंने 150 ग्राम लिया है और एक बाउल पानी में इसको उबाल लिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया था। अब इसको निकाल के और ठंडा करके दो तीन पानी वॉश करके इसको पीसना है। और ये मैंने महीन कटा प्याज लिया है, हरा धनिया लिया है, हरी मिर्च है, इसका मैंने पेस्ट लिया है, ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये बेसन है, ये चावल का आटा है, चावल के आटे की जगह आप कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं। ये मैंने चीज़ लिया है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये लाल मिर्च पाउडर, ये अमचूर पाउडर, ये भुना पिसा जीरा, ये चाट मसाला, गरम मसाला, नमक, और ये फ्राई करेंगे हम। तो ये फ्राई करने के लिए ऑयल लिया है, इसको मैंने वॉश कर लिया है। अब इसका पानी एकदम अच्छे से ऐसे निचोड़ देंगे जिससे इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। इसको मैंने पीस लिया है, अब हम एक बड़े बाउल में निकालेंगे इसको। अब हम इसमें एक एक करके सारी चीज़ों को डालेंगे। तो ये मैंने गरम मसाला लिया है, चाट मसाला, खटाई, भुना पिसा जीरा, लाल मिर्च आप अपने स्वादानुसार ले सकते हैं, क्योंकि हम ये हरी मिर्च भी डाल रहे हैं। हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट, प्याज और हरा धनिया, ये सारी चीज़ों को डाल लेना है। और ये बेसन हम डालेंगे 2 चम्मच। अभी अगर ठीक से हमारा बाइंड नहीं होगा तो फिर और थोड़ा सा बेसन डालेंगे। और ये 2 चम्मच चावल का आटा, आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। नमक 1 चम्मच, और ये चीज़ जो मैंने ग्रेट करके रखा है सारा डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी इसमें थोड़ा बाइंडिंग की और ज़रूरत है, तो हमने बेसन और थोड़ा सा डाल लिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है, इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको कबाब का शेप देंगे। तो थोड़ा सा लेंगे ऐसे, और आपको गोल बनाना है अगर तो गोल बना सकते हैं। मैं ऐसा सिलेंडर शेप दे रही हूँ, इसको इस तरह से बना लेंगे। और इसमें आप सीक डालना चाहें तो ऐसे सीक डाल सकते हैं, टूथपिक, इस तरह से ये इस तरह से बन जाएगा। या तो फिर आपको गोल बनाना है और गोल बना लीजिए। और इसको सैलो फ्राई करना है तो आप सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए सारे बन गए हैं और ऑयल भी गर्म हो गया है, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। इनको थोड़ी देर बाद छुएंगे हल्के हाथों से। इनको मीडियम से स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। एक साइड से देखिए फ्राई हो गए, तो अब हम इनको पलट देंगे और ऐसे सभी तरफ से गोल्डन कर लेंगे। ये देखिए फ्राई हो गए, अब हम इनको निकाल लेंगे। इनको फ्राई करने में 5 से 6 मिनट लगा है। अब हम दूसरा भी डाल देंगे। देखिए सोया कबाब बनकर तैयार हैं। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। आप इसको चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ, किसी के भी साथ सर्व करिए। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।